प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 13.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आप शंकु बनाइए, ये आपका शंकु हो गया, ठीक। अब ये कह रहा है ये आपकी शंकु है। अब इसी पे कह रहा है कि क्या है, एक अर्धगोले के आकार की कोई वस्तु रखी गई है, ठीक। ये आपके सामने बन गया, ये आपका शंकु है, ये आपका ऊपर का जो शंकु है और नीचे का इसी पे अर्धगोले के आकार का एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। यानी इसका जो त्रिज्या है यहाँ से, जो कि यहाँ से लेकर के मान लीजिए पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक, सी मान लीजिए, और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई बनती है बाय द वे यहाँ तक, इसको मान लीजिए डी। तो ये कह रहा है कि ए बी आपका क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। और यहाँ से इसका, चूँकि आपको मालूम है ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3.5 सेमी दिया हुआ है, 3.5 सेमी दिया हुआ है। और चूँकि शंकु के आकार का है, इसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर एक अध्यारोपित है खिलौना, ये जो शंकु के आकार का खिलौना है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है आपको, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 13.5 सेमी। यहाँ से संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13.5 सेमी। अब इसमें से जो अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपका यहाँ पे इसकी ऊंचाई 12 सेमी। शंकु की ऊंचाई कितना पड़ेगा, 12 सेमी, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसका 12 सेमी पड़ेगा। क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इस संपूर्ण का ऊंचाई 13.5 सेमी दिया हुआ है। और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी त्रिज्या जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो त्रिज्या यही होता है, ये तो आपका व्यास होता है। तो हम संपूर्ण ऊंचाई में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेमी अर्थात बचेगा। अब कहने का मतलब ये है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पाई आर एल उसको निकालेंगे, और इसका जो क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 2πr² इसका निकालेंगे, और निकाल करके इसका आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे खिलौने की त्रिज्या सेमी वाले शंकु के आकार का है, करें कि खिलौने की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी, यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 सेमी, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई अर्थात अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे भी हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या यही हो जाएगा। अब संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, संपूर्ण ऊंचाई आपका दिया है बराबर 13.5 सेमी, और यहीं पे शंकु की ऊंचाई तो कितना हो जाएगा, 13.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेमी। आगे आपको इस फिगर में समझा चुके हैं, ठीक। अब चूंकि अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे एल किसको कहते हैं, एक बात और समझ लीजिएगा, दोबारा आपको हम फिगर बना रहे हैं। ये आपका मान लीजिए सपोज डेट शंकु है, ठीक, ये आपका शंकु नया बनाती है, इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई एल, इसको क्या बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई। जो शंकु है ये 90 अंश का कोण बनाएंगे अर्थात संपूर्ण ये होगा, और ये आपका होता है यच, और ये आपका त्रिज्या आधार होता है ए वाला, यहाँ से अर्थात ए बी सी और डी, ठीक। आप त्रिकोणमिति में पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, ये संकोण होता है, तो इसमें पाइथागोरस पर में ही लगता है, अर्थात
यल बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अर्थात इसमें से तीनों में से किसी दो का मान दिया गया हो तो तीसरे का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार हमको क्योंकि यल इसमें दिया हुआ है और एच का मान मालूम है, आर का मान मालूम है तो नहीं मालूम है यल का मान, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एच का मान कितना दिया हुआ है इसमें, ऊंचाई 12 सेमी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 बराबर 144, इसका 3.5 25 को 5 हाथ में आएगा 2 5 15 2 17 और 3 5 15 5 हाथ में आएगा 1 3 9 10, तो 5 7 5 12 को 2 हाथ में आएगा 1 1 1 2 और 1, यानी 2.2 अंक की बात है तो 12.25 अर्थात ये हो जाएगा 12.25। तो दोनों को ऐड हम करेंगे 144.00, अब इसको क्या करेंगे 12.25 अर्थात 25 2 और 4 2 6 4 5 और 1, 156.25 आएगा इसका, 156 अर्थात यल स्क्वायर बराबर होगा 156.25। तो यल बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यल बराबर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यल बराबर निकालने के लिए इसका भाग विधि से क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अब यल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर 56.25, तो यल बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 156.25 अर्थात इसका भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका 12.5 आपका वर्गमूल आ जाएगा, यल बराबर 12.5। अब वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है भाग विधि से, तो 156.25 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे पहले इसमें, मान लीजिए दो का जोड़ा ऐसे बना रहे हैं तो एक कम एक, एक चला जाएगा तो एक आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक एक कितना हो जाता है 2 हो जाता है, एक यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हो गया 56, यहाँ पे 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे उतने ही संख्या का गुणा करते हैं जितना, तो 21 एकम 21 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो इसमें 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 अर्थात 2 का जिस अंक का इन एक को जोड़ लिए हैं उसके बाद वही संख्या यहाँ पे रखते हैं जिससे नीचे नीचे वाली संख्या से गुणा करना रहता है, तो लगभग आपका देखिए 2 दूनी 4 56 से 44 कम है, अब घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और एक बचेगा 5 में से 1 जाएगा, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 2 हो गया, अब ये दशमलव आ गया तो दशमलव उतारेंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे या 25 यहाँ पे उतार लेंगे। अब उसके बाद इसमें 2 2 4 और 1 दो का 2 ही रहेगा, 5 का गुणा करेंगे इसमें दोबारा, तो 25 को 5 हाथ में आएगा 2 5 4 को 20 2 22 को 2 हाथ में आएगा 2 5 10 2 12 अर्थात 12 अर्थात ये आपका क्या हो गया कट गया। ठीक, तो आपका कुल मिलाकर के देखिए अब यहाँ पे भाग विधि से हम निकालें, भाग विधि से इसको बोलते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, आप क्लास 7 8 9 10th में इसमें पढ़े होंगे या जो भी छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो यल का मान जो हम भाग विधि से 12.5 हम निकाल देंगे। ये तो आपका हो गया यल का मान आ गया मेरे दोस्तों, ये भाग विधि से वर्गमूल एक बार और समझ लीजिएगा कैसे निकलता है, यहाँ पे आपको ये आप समझ चुके हैं यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से एच का मान रख दिए हैं आर का मान रख दिए हैं, अब यल स्क्वायर बराबर 144 प्लस 12.25 हो गया, दोनों को ऐड कर लिए जोड़ दिए, अब यल स्क्वायर बराबर करेंगे तो यल स्क्वायर बराबर इतना, यल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 156.25 अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 12.5 आएगा, यहाँ पे वर्गमूल आपको निकाल करके दिखा दिए भाग विधि से दे रहे हैं, यहाँ पे यल बराबर कितना हो जाएगा 12.5, यहाँ पे मान रखेंगे 22.22/7 पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान कितना दिया है ऑलरेडी, आर त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के त्रिज्या का मान कितना है 3.5 गुणे यल का मान कितना है 12.5। ठीक, तो 7 5 35.5 हो जाएगा, देखिए शंकु का क्षेत्रफल इतना 137.375 आ गया, हमें अर्धगोले का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 2πr² बराबर, तो 2πr 2π 22/7 और आर का मान 3.5 है, तो यहाँ पे 7 5 35 कट के जाएगा, टोटल आपको जोड़ने पे 77 आ जाएगा, अर्थात शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 5r बराबर
इतना आ गया और यहीं पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात अर्धगोला और शंकु का, तो अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 137.375 आ गया और 77 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल ऐड करने पर आ जाएगा 214.375 सेमी स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये था आपका प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो ये खिलौना अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित किया गया है। तो इस समय पूछ रहा है कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस दशा में दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात अर्धगोले का और शंकु का ऐड करके जोड़ लेंगे और जो उत्तर आएगा वही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने भाग विधि से वर्गमूल निकालना भी सीखा और ये अलग से फिगर बना करके आपको समझाया गया, बाकी जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ही फिगर दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला इस रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों। तो इसको हम लोग कर रहे हैं 7। अब चूंकि क्या दिया है, घनाकार भुजा की लंबाई कितना दिया है, लंबाई बराबर कितना दिया है 7 सेमी। ठीक, मान लीजिए कोई घनाकार है, अब सॉरी ऐसे तो घनाकार हो नहीं सकता है, घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तभी तो वो घनाकार होगा। अभी ये कह रहा है, ठीक, ये आपका घन बन गया। पर है कि 7 सेमी भुजा वाले अर्थात इसकी सभी भुजाएं आपस में कितना होगी, 7 ही सेमी होगी, यानी घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है ना, आप रख लीजिए, याद कर लीजिए, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भुजा 7 सेमी का होगा तो जितने भी भुजाएं हैं वो 7 ही सेमी का होगा मेरे दोस्तों। तो घन का भुजा की लंबाई कितना है 7 सेमी, तो सभी भुजाएं 7 सेमी हो जाएगी, ये तो स्पष्ट हो गया। अब पर है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये मान लीजिए, अब आपका जो इसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित किया जा रहा है इसके ऊपर, तो अर्धगोले का जो व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी आपका कितना हो जाएगा 7 सेमी होगा। अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा 7 रखा जाएगा।